नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपके साथ में ओम गुरुकुल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ना अपने यूट्यूब चैनल पे। आज ज्योमेट्री के लिए बेटा जो लास्ट क्लास में बोले थे हम, क्या बोले थे याद है? हमने कहा था कि चतुर्भुज पढ़ाएंगे, ठीक है? तो आज चतुर्भुज पढ़ाते हैं और देखिएगा क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या बातें हमें पढ़नी है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले बेटा पढ़ना, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। और एक चीज बहुत ध्यान से समझना, ये सब बातें आपको हम पॉलीगन में पढ़ा चुके हैं। बहुभुज में क्या पढ़ाए थे कि चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है और बाह्य कोणों का योग भी कितना होता है? 360। और 360 डिग्री हर आकृति के बाह्य कोणों का योग होता है, याद है ना? तो ठीक है, अब इसके बाद इसका तीसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि किन्हीं दो लगातार कोणों के, लगातार कोण का मतलब बेटा जो लगातार हो, जैसे बी और सी, लगातार कोणों के द्विभाजक बाइसेक्टर द्वारा बनाया गया कोण अन्य दो कोणों के योग का आधा होता है। देखिएगा कैसे, इसको प्रूफ करने के लिए हमने एक चतुर्भुज बनाया, ठीक है? इधर बेटा मैंने ये मान लिया, ये मान लो 70 डिग्री है, ये कितना है? 70 डिग्री है। इस वाले को मैंने मान लिया 50 डिग्री, ठीक है? तो यह 7 और 5 12 120 डिग्री हो गया है। अब इस वाले को तो मान लो 200, कितना मान लिया? 200, ठीक है? अब कितना हो गया बताओ, 120 प्लस 200 320, बचा कितना? ये हो गया 40। बताओ सब 360 हो गए कि नहीं हो गए? जोड़ो एक बार, 7 और 5 12 12 और 4 16, 160 ये हो गया, 200 वो हो गया। अब अगर बेटा इनका बाइसेक्टर खींचेंगे, इनका अगर बाइसेक्टर खींचेंगे तो जरा ध्यान से बताना, यहाँ पे क्या बताना रहेगा ध्यान से, कि ये वाला बताओ 35 डिग्री होगा और ये कितना होगा? 25 होगा। 35 और 25 60, तो ये कितना होगा? ये होगा 120। और ये अगर 120 होगा तो इनका दोनों का योग कितना होगा? 240। और 240 का आधा कितना होता है? 120। ठीक है कि नहीं? ठीक है, समझ में आई बात? तो एक ये पॉइंट है, इसके आगे देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। इसके आगे देखिएगा बेटा अगला पॉइंट क्या है कि चतुर्भुज के किन्हीं दो विपरीत बाह्य कोणों का योग अन्य दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। देखिएगा फिगर में, देखने की कोशिश करिएगा, समझाएंगे कुछ बात को, इसी फिगर बनाते हैं। देखिएगा ये वैल्यू क्या है? क्यू है। तो ये बताइए क्यू देखना ध्यान से, फिर से, ये अगर वैल्यू क्यू है तो ये हो जाएगी 180 माइनस क्यू, हो जाएगी कि नहीं? ये अगर पी है तो ये हो जाएगा 180 माइनस पी, हो जाएगा ना? और सबको जोड़ दो बेटा तो 360 के बराबर होगा। तो लिखो 180 माइनस पी प्लस एस प्लस 180 माइनस क्यू प्लस आर बराबर 360, ठीक है? अब तो 180 और 180 से 360 खत्म हो गया, क्या बचा? S प्लस R बराबर P, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, Q उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। यही बात लिखी है बेटा, देखिएगा ध्यान से, ये बात लिखी हुई है, ठीक है? अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? किसी चतुर्भुज के दो सन्निकट भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा संगत भुजाओं के विकर्ण के समांतर होती है और उसकी आधी होती है। अगर याद हो तुम्हें पीछे की, अगर तुम वीडियो देख के आए हो और ध्यान से तुमने पुराने वीडियो देखे हैं तो हमने समरूपता में बताया कि बेटा केवल ये त्रिभुज, एक त्रिभुज समझो, चतुर्भुज समझो ही ना, केवल त्रिभुज। अब बताओ जब त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं से जो रेखा खींची जाती थी वो तीसरे के आधी और उसके समांतर होती थी कि नहीं? ये इसके हमेशा कैसी होगी? समांतर होगी और कैसी होगी? आधी। ये हमने समरूप त्रिभुज जब पढ़ाए थे, समरूपता पढ़ाई थी, तब ये चीज प्रूफ कराई थी। आप लोगों को अगर ना याद हो तो एक बार समरूपता वाला वीडियो देखिएगा जाके, तब हमने ये बात बेटा बताई थी। इसके आगे का पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट है बेटा त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं अगर इसकी बात करें तो देखो बेटा यहाँ 5 लिखे हुए हैं और इनके 5 की बात हम करते हैं ध्यान से। पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज, सॉरी त्रिभुज की नहीं चतुर्भुज की बात लिखी है। ये क्या है बेटा? समांतर चतुर्भुज। ये क्या है? आयत। ये क्या है? वर्ग। ये क्या है बेटा? रोम्बस यानी समचतुर्भुज। और ये क्या है? ट्रेपेजियम। ठीक है, इनके सबकी अलग अलग कंडीशंस होती हैं। हम कंडीशंस को जब भी मेंसुरेशन पढ़ते हैं, है ना,
मेंस्ट्रुएशन में हम इसको पढ़ाएंगे बेटा, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, अभी हम जो पढ़ रहे हैं उसी पे कंटिन्यू करते हैं। समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर और कैसी हो, बराबर हो। देखो बेटा एक्चुअली में हुआ क्या था, इसके बनने की कंडीशन कैसे आई, ध्यान से सुनना। ये बेटा आयत था, पहले कैसा था, आयत था। ये क्या था, आयत। एक दिन ये बाहर खेल रहा था, इसके पिताजी को गुस्सा आया, उन्होंने इधर से एक तमाचा मार दिया। जैसे इसको तमाचा मारा तो ये बेटा झुक गया इस साइड, ऐसे ऐसे झुक गया, ठीक है। और ये पुष्पा की तरह चढ़ने लगा, किसकी तरह, पुष्पा की तरह। तो अब देखना इसको कैसे बन गया, ये ध्यान से देखिएगा। अगर इसको बनाना चाहें तो साफ करना पड़ेगा थोड़ा सा, देखना। दोबारा ही बना दे, चलो देखो। तो ये बेटा ऐसे झुक झुक के चलने लगा, ठीक है। तो इसके आमने सामने भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर और समांतर होती हैं, ठीक है। अब तुम खुद बताओ विकर्ण ये बराबर होंगे क्या, तुम्हें विकर्ण बराबर दिख रहे हैं, देख रहे हो तो बताओ, नहीं दिख रहे हैं ना तो होंगे भी नहीं। इनकी ये कंडीशन होती है, आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। और ये भी कंडीशन होती है कि विकर्ण यहाँ पे 90 डिग्री बनाएंगे नहीं बनाएंगे, ये बोला है मैंने, ठीक है। ये जो कट पॉइंट होगा इनमें विकर्ण कभी भी 90 डिग्री पे नहीं काटते हैं। तो किसी के विकर्ण तो 90 डिग्री पे काटते होंगे, तो बेटा एक वर्ग के काटते हैं और एक बेटा रोम्बस के काटते हैं, ठीक है। और किसी के विकर्ण 90 डिग्री पे नहीं काटेंगे, ठीक है। अब हम आगे जब आएगा ये पॉइंट तो इसको बहुत डीप ले जाएंगे और समझाएंगे तुम्हें, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा यदि निम्न में से कोई एक धारण करता है, इनमें से कितनी कंडीशन जो रही है, इनमें से एक भी अगर कंडीशन सही होगी तो कैसा हो जाएगा, पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज। पढ़ते हैं कंडीशन क्या क्या दी गई है। तो कंडीशन दी गई है विपरीत भुजाएं में प्रत्येक भुजा आपस में समांतर होती है, बोलो अभी बताया कि आमने सामने भुजाएं कैसी होंगी, समांतर। जो समांतर होंगी वो बराबर भी होंगी, विपरीत कोण में प्रत्येक मुंह आपस में बराबर होते हैं। देखिएगा बेटा ऐसे समांतर चतुर्भुज में ना, ऐसे तिरछा तिरछा वाला समांतर चतुर्भुज, ठीक है। अब बताओ ये पैरेलल लाइन है कि नहीं, इसको एक लाइन ऐसे काटेगी, ध्यान से सुनना बहुत अच्छे से। तो ये अगर x बनेगा तो ये भी x बनेगा, बनेगा। और बताओ ये भी तो पैरेलल लाइन को काट रहा है, तो ये x है तो ये भी तो x हो जाएगा। तो इन्होंने यही लिखा है तीसरा पॉइंट कि विपरीत कोणों का प्रत्येक युग्म आपस में बराबर होता है। ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ठीक है कि नहीं। विपरीत भुजा का एक युग्म आपस में बराबर तथा समांतर होता है, यानी ये बराबर और समांतर है, ठीक है। इसके आगे देखो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं का मतलब क्या होगा, देखिएगा बेटा ध्यान से, इसको हम साफ करना चाहेंगे। तो विकर्ण एक दूसरे को कैसे समद्विभाजित करते हैं, जरा एक बार ध्यान दीजिएगा ये बेटा, ठीक है। इधर से हमने एक ऐसी लाइन खींची, ये विकर्ण हो गया, एक लाइन ऐसे खींची, ये विकर्ण हो गया। अगर ये ए बी सी और डी है और ये कट पॉइंट इनका ओ है, तो लिखेंगे हम ओ ए बराबर ओ सी के और OB बराबर OD के, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब ये भुजा इसके बराबर और ये वाली इसके बराबर, ठीक है कि नहीं, क्लियर है, बढ़े आगे। चलो देखो अगला पॉइंट, देखिए समांतर चतुर्भुज से कुछ थ्योरम्स इन्होंने दी गई हैं, वो देख लीजिएगा बेटा। इनको देखो हम प्रूव कर चुके हैं, क्या कहा है, a प्लस बी क्या हो जाएगा 180, इधर इन्होंने कहा बी प्लस सी ये भी 180 होगा और सी प्लस डी ये भी क्या होगा 180 होगा। ये बेटा ये प्रूफ कर चुके हैं, आराम से कर लेना प्रूफ, इसमें कुछ बहुत नई बात नहीं है। अगला देखो, ये देखिएगा, ये बताओ ध्यान से तुम खुद, ये देखना बेटा क्या कहा है कि अगर कोई समांतर चतुर्भुज है तो उसके जो कोणों के अर्धक होंगे वो यहाँ पे बताओ कितने डिग्री बनाएंगे, 90 बनाएंगे। और क्यों बनाएंगे, देखिएगा, अगर भाई ये पैरेललोग्राम है ना, ये वाला कोण मान लो तुमने माना कि 60 बना, तो ये निश्चित तौर पर 120 बनेगा कि नहीं, 120 बनेगा, क्योंकि दोनों कोणों का योग कितना होता है 180। अब इनका जो अर्धक करेंगे, इनका जो अर्धक करेंगे तो ये 30, ये 60, तो ये कितना बचा, 90 तो बचा है। तो कौन सी नई बात इन्होंने बताई है, ये तो सब हम पहले पढ़ चुके हैं। और हम ये हो समान आधार वाले समान समांतर चतुर्भुज के स्त्री का क्षेत्र, अब ये बताओ ध्यान से, ये जो तुम्हें आकृति में एक चतुर्भुज एक त्रिभुज दिख रहा है, इस आकृति में एक चतुर्भुज एक त्रिभुज दिख रहा है, तो बताओ इसको यहां से हमने परपेंडिकुलर डाला तो ये हाइट हो जाएगी h, हो जाएगी कि नहीं। चतुर्भुज का एरिया क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई, क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। आधार कितना है bc, bc गुणे ऊंचाई कितनी है h, ये हो जाएगा चतुर्भुज का एरिया।
और त्रिभुज का एरिया बेटा क्या होता है बताओ, एक बटे दो आधार गुणे ऊंचाई, ये तो होता है कि नहीं। और इसकी जगह बताओ हम BC into H की जगह हम चतुर्भुज का एरिया लिख सकते हैं कि नहीं, तो ये लिखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आधा होता है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के। क्लियर है? चलो बहुत अच्छी बात है, अगर है क्लियर तो आगे देखिएगा बेटा। अगला पॉइंट देखिएगा, समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उनके विकर्णों के गुणनफल के बराबर होता है। इस पॉइंट को तुम रख लो बहुत अच्छे से याद, और ये जरूरत भी तुम्हारे पड़ेगा। क्या पड़ेगा कि समांतर चतुर्भुज जो चतुर्भुज है उनकी भुजाओं का योग, चारों भुजाएं करो, पहली ए बी लिख लो, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर बराबर होगा इनके विकर्णों के वर्ग के बराबर। विकर्ण कितने होंगे बताओ जरा, विकर्ण क्या होगा, बी डी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के। अब यहां पे क्या हो सकता है, यहां पे हमें पता है क्या पता है कि ए बी बराबर है सी डी के, तो सी डी की जगह भी क्या लिख दो, ए बी लिख दो, और ए डी बराबर है बी सी के, तो इसकी जगह बताओ ए डी की जगह क्या लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं कि नहीं। तो अगर ये लिख देंगे तो ये दूसरा वाला प्रॉपर्टी ठीक हो जाएगी, ठीक है कि नहीं, ठीक है। चलो आगे देखो बेटा, यहां देखो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये लिखा ही है, बाकी सब बातें आपको पता है। अब आते हैं आयत पे, तो आयत की प्रॉपर्टी क्या है देखिएगा, आयत के लिए कुछ बातें लिखी हैं, हम अगले वाले पेज पे सीधे आयत को पढ़ते हैं आके, जहां इनकी कंडीशंस लिखी हैं। तो आयत के गुण, आयत की बात कर देते हैं, तो इन्होंने आयत के लिए लिखा क्या, इन्होंने लिखा सबसे पहली प्रॉपर्टीज में कि इनकी विपरीत भुजाओं के दोनों आपस में बराबर होते हैं, मतलब ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर, चारों कोण बेटा कितने कितने डिग्री के, 90 डिग्री के, दोनों विकर्ण आपस में कैसे बेटा बराबर, लेकिन कोणों के अर्धक नहीं होते हैं, कोणों के अर्धक नहीं होते, होते तो बराबर है, कोणों के अर्धक नहीं होते हैं। कैसे, सुनना, एक आयत है ऐसे बना लो, ये भी तो आयत है, ये भी तो आयत है। अब इसमें अगर हम विकर्ण खींचेंगे, देखिएगा ध्यान से, देखिएगा एक ऐसे लाइन खींच दी हमने, ऐसे लाइन, ठीक है कि नहीं, और एक लाइन हमने बेटा ऐसे खींच दी, देखो ये कलर दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है ना, ठीक, बहुत अच्छी बात। अब बताओ बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तुम्हें बराबर दिख रहा है क्या, देख के बताओ तुम, केवल देख के, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बताओ बराबर है, बोलो है बराबर, नहीं है ना, नहीं है, तो ये बताओ कोण अर्धक कैसे हुए। तो ध्यान रखना विकर्ण अर्धक नहीं होते हैं, यानी ये वाला और ये वाला बराबर नहीं होगा, ये पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। बाकी के क्या होंगे, बाकी ये होगा कि ये इसके बराबर, इसके बराबर और इसके बराबर, यानी चारों जगह कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। लिख सकते हैं ए बी सी और डी, अगर बीच में पॉइंट ओ है तो लिखेंगे ओ ए बराबर, ओ बी बराबर, ओ सी बराबर, ओ डी के, ठीक है मेरे बच्चों। आगे देखिएगा, अब इसमें देखो सारी बातें लिखी हैं, वही जो हमने अभी बताई हैं, पढ़ लीजिएगा एक बार इसको ध्यान से, पढ़ते हुए पढ़ते हैं, कह रहे कि बताओ क्या लिखा है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, विकर्ण बराबर होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं लेकिन लंबवत नहीं होते, बोलो यही बात बताया कि नहीं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं लंबवत नहीं होते, लंबवत नहीं होते मतलब 90 डिग्री का कोण नहीं बनाते हैं। फिर विकर्ण कोणों के अर्धक नहीं होते, अभी समझाइए ये बात। और आयत के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लीजिएगा ध्यान से क्या लिखा है, आयत के अगर मध्य बिंदुओं को जोड़ेंगे तो उनको जोड़ने से जो बनेगा वो बेटा समचतुर्भुज बनता है, ध्यान रखना, क्या होता है, रोम्बस बनता है, समचतुर्भुज बनता है, ठीक है। अच्छा आगे देखिएगा बेटा, आयत का क्षेत्रफल दिया गया है, परिमाप दी गई है, विकर्ण दिए गए हैं, हमें लगता नहीं कि ऐसा कोई बच्चा होगा जिनको ये बातें ना आती हो, तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं और आयत के थ्योरम्स पे आते हैं। आयत के थ्योरम्स के पहले हम वर्ग पे आते हैं, और वर्ग की हम देखो सारी कंडीशंस आपको यही बता देते हैं, क्या बताते हैं देखिएगा ध्यान से, एक वर्ग बेटा वो होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर, पहली कंडीशन क्या होगी, चारों भुजाएं बेटा ये और ये सब आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। चलो हम तुम्हें वर्ग बना के दिखाते हैं, देखिएगा ध्यान से, ठीक है, ये मान लो कोई वर्ग है, इसको मैंने नाम दिया ए बी सी और डी, ये बेटा नाम दिया। अब इसमें बेटा हमने दो, देखो दो लाइनें खींची, इनको विकर्ण कहते हैं, और वो लाइनें देखना बेटा ध्यान से,
एक ये हो गई और एक बेटा ये हो गई, ठीक है। ये दो बेटा क्या हो गई, लाइनें हो गई। इसके बाद लाइन पे आगे आए तो देखना ध्यान से, अब इनका हमने नामकरण किया तो इसको ओ बिंदु दे दिया। बहुत अच्छे समझना अब आगे की बातों को, बहुत अच्छे से एक बात समझ में आ जाएगी। पहली बात, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है इनकी, सबसे पहली प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चों, चारों भुजाएं कैसी होती हैं। तो देखो चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चारों भुजाएं कैसी होती है प्यारे बच्चों, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहता है, दूसरी प्रॉपर्टी में इसने कहा, दूसरी लाइन में इसने कहा क्या कहा बेटा, कि सभी कोण, चारों कोण लिख लो चाहे सभी कोण लिख लो, सभी कोण किसके बराबर होंगे बेटा, बराबर होंगे 90 डिग्री के। सभी कोण किसके बराबर होंगे, 90 डिग्री के। और देखिएगा सभी कोण बेटा किसके बराबर होंगे, 90 डिग्री के। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कही, तीसरी प्रॉपर्टी को ध्यान से देखिएगा। तीसरी प्रॉपर्टी, दोनों विकर्ण आपस में कैसे होंगे, दोनों विकर्ण आपस में बराबर होंगे, दोनों विकर्ण आपस में बराबर होंगे। अभी बात करेंगे कि ये सब क्यों होंगे, सबकी चर्चा करेंगे, परेशान मत होना, ठीक है। इसके बाद चौथी प्रॉपर्टी करते हैं, विकर्ण कोणों के समद्विभाजक होंगे, यानी ये वाली और ये वाली आपस में कैसे होंगे, बराबर कोण होंगे। विकर्ण कोणों के अर्धक होंगे, विकर्ण कोणों के क्या होंगे बेटा, अर्धक होंगे। इसके बाद अगली लाइन में उन्होंने कहा, अगली लाइन पांचवा पॉइंट क्या कहा देखना बेटा, ठीक है। कोणों के तो अर्धक होंगे और सभी विकर्ण आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो बराबर होंगे तो कैसे लिखेंगे, इनके अर्धक भी बराबर होंगे तो लिखेंगे OA बराबर OB बराबर OC बराबर बेटा OD, ठीक है कि नहीं। और छठवां पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या बना, छठवां पॉइंट पहले बच्चों देखो क्या बना, कि केंद्र पर 90 डिग्री बनाएंगे। केंद्र पर कितना बनाएंगे, 90 डिग्री। देखिएगा इन सारी बातों को प्रूफ करते हुए चलते हैं, सुनिएगा। ये भुजा A है तो ये भी क्या होगी A, ये क्या होगी A, ये होगी A। जब चारों भुजाएं बराबर तो बताओ जरा ध्यान से, ये कोण 90 डिग्री, ये भी कोण 90 डिग्री, ये भी कोण 90 डिग्री और ये भी कोण 90 डिग्री, सब 90 डिग्री होंगे। ध्यान से सुनना बहुत अच्छे से, ये बताओ अगर A है, ये अगर A है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा कि नहीं। ध्यान से देखिए हम इसकी बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे से देखिएगा बेटा, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो जब ये 90 डिग्री है, त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग 180 होता है, तो ये कितना बचा, ये बचा बेटा 45 और ये भी कितना बचा 45। अगर ये 45 है तो जरा बताओ इसके पड़ोस वाला ये भी 45 और ये भी कितना 45 रहेगा। तो बताओ पहला एक बात ये कि बताओ ये दोनों कोणों को अर्धक कर रहा है कि नहीं। इसी तरीके से यहां पे 45, ये भी 45, ये 45 और ये भी 45। बहुत अच्छे ध्यान से देखिएगा। अब ये सेंटर है, इसकी ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, तभी तो ये कोण बराबर होंगे भाई। ये 45 है, ये 45 है, इसका मतलब ये और ये आपस में बराबर है। अब और आगे देखो, ये 45 है, ये 45 है, तो ये और ये बराबर हो गए। ये 45 है, ये 45 है, तो ये भी बराबर हो गए। तो इस तरीके से सभी कोण बराबर है। बताओ 45 और 45 90 डिग्री, तो बताओ केंद्र पे कितने डिग्री, केंद्र पे भी 90 डिग्री। और समझ में आई ये बात की नहीं आई, उम्मीद है कि ये सारी बातें 6 के 6 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर समझ में आ गए हैं प्यारे बच्चों तो हम आगे बढ़ते हैं, और आगे हम आते हैं अपने पॉइंट पे जहां पढ़ा रहे थे। अब देखना इनके वर्ग के सारे पॉइंट, चारों भुजाएं बराबर लिखी है पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या पढ़ लो, प्रत्येक भुजा बराबर होती है अभी बताए थे, प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है अभी बताए थे, विकर्ण बराबर होते हैं ये भी बताया है, विकर्ण कोणों के अर्धक होते हैं ये भी बताया है, ठीक है। अब अगली लाइन जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, देखिएगा ध्यान से, कह रहा है कि विकर्ण के, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, विकर्ण के मध्य बिंदुओं को जोड़ने पर जो रेखा बनती है, मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा एक वर्ग ही बनाती है, सॉरी वर्ग के अगर मध्य बिंदु को, स्क्वायर है अगर कोई, उसके अगर मध्य बिंदु को जोड़ेंगे तो बेटा सीधी सी बात है हमेशा क्या बनेगा, स्क्वायर। जबकि समांतर चतुर्भुज के, याद करो बेटा, सॉरी समांतर चतुर्भुज नहीं, आयत के जब चारों मध्य बिंदुओं को जोड़ रहे थे तो वहां पर रोम्बस बन रहा था, समचतुर्भुज,
इसके पीछे ही पढ़ के आ रहे हैं इस बात को। आगे देखिएगा इसके इसकी प्रॉपर्टीज रहती हैं, देखिएगा। अब आता है समचतुर्भुज रोम्बस। रोम्बस क्या है? रोम्बस विटैम का भाई है। किनका भाई है? वर्ग का। तो थोड़ा सा आते हैं जो हम पीछे पढ़ के आए हैं उसी बात पे आते हैं। क्या क्या पढ़ा है एक बार आते हैं ध्यान से देखना। हमने पढ़ा था अभी किसके बारे में? वर्ग के बारे में। अब आते हैं हम थोड़ा रोम्बस पढ़ते हैं। देखिएगा बेटा रोम्बस कैसे बनेगा। ठीक है, अब इसके आगे देखिएगा बेटा, इसकी चार भुजाएं आपस में कैसी होंगी? बराबर होंगी। अब बताओ यहां से ये वाला विकर्ण एक हो गया, दूसरा विकर्ण बेटा ये दूसरा विकर्ण हो गया। ठीक है, ये मैंने नाम डाल दिया इनका, नाम डाल दिया ए बी सी और डी। अब आगे ध्यान से देखना, ए बी सी डी है। अब इनकी भुजाएं ये वाली भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, चारों भुजाएं आपस में बराबर हो गई, लेकिन चारों कोण 90 डिग्री में होंगे। सबसे पहली बात क्या हुई? चारों भुजाएं आपस में कैसी होंगी? बराबर होंगी। विकर्ण बराबर है क्या? विकर्ण बराबर नहीं है बेटा, ये वाला लंबा है तो ये वाला कैसा है? थोड़ा सा छोटा है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, विकर्ण कोणों के अर्धक होते हैं। विकर्ण जो है, विकर्ण प्यारे बच्चों, विकर्ण कोणों के, कोणों को अर्धक करते हैं, अर्धक करते हैं। ठीक है कि नहीं, समझ में आई बात? विकर्ण जो होते हैं कोणों के क्या होते हैं? अर्धक होते हैं। और तीसरा पॉइंट, केंद्र पर 90 डिग्री बनाते हैं, 90 डिग्री का कोण भी बनाते हैं। ठीक है कि नहीं, समझ में आई बात? ये क्लियर है भैया? चलो अब इन्हीं के बाद देखना कैसे, सुनना। ये पैरेलल लाइन है, ये अगर बताओ 60 बनाएगा तो ये 120 बनाएगा, बनाएगा कि नहीं? ये 60 तो ये कितना? 120। तो इसका 60 का अर्धक हो जाएगा 30 और इसका अर्धक हो जाएगा 60, तो ये बताओ 90 हो जाएगा अपने आप कि नहीं? हो जाएगा ना। यही बात हम आपको समझाना चाह रहे थे। आगे देखिएगा इस बात को, रोम्बस की कंडीशंस पढ़ो बेटा जरा ध्यान से। तो ये सारी बातें रोम्बस के लिए लिखी है। क्या लिखा है बताओ ध्यान से पढ़ के बताओ कितना क्या लिखा है। लिखा है प्यारे बच्चों, लिखा है कि प्रत्येक भुजा बराबर होती है। क्या लिखा है? प्रत्येक भुजा कैसी होती है? बराबर होती है। विपरीत गुणों का योग आपस में बराबर होते हैं। विकर्ण एक दूसरे पर लंब समद्विभाजित करते हैं और कोणों के अर्धक होते हैं। बाकी ये बेटा क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखा है। इनके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है एरिया बराबर होता है हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू। ठीक है, वैसे कोई भी चतुर्भुज के लिए अगर लिखोगे तो हाफ डी वन डी टू साइन थीटा होता है। अब ये 90 डिग्री में काटते हैं तो थीटा कितना हो जाता है? 90 डिग्री। और साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1। इसलिए इसकी बेचारे की कोई इज्जत नहीं बचती है। समझ में आई बात? ठीक है, चतुर्भुज के भुजाओं मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा क्या होता है? आयत। आयत के मध्य बिंदुओं को जोड़ोगे तो बेटा क्या बनेगा? रोम्बस। और रोम्बस के मध्य बिंदुओं को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? आयत बनेगा। ठीक है कि नहीं? चलो इसके आगे देखो बेटा अगला पॉइंट, समलंब। ये देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है। इनकी दो भुजाएं समांतर होती हैं। समलंब की क्या होती है बेटा? इनमें दो भुजाएं आपस में समांतर होती हैं और जो समांतर होती है वो बराबर नहीं होती और जो बराबर होती है वो समांतर नहीं होती। जरूरी नहीं है ये बराबर हों। कहीं आपको ऐसे भी प्रश्न मिलेंगे जहां ए बी और डी सी आपस में बराबर नहीं मिलेंगी। ठीक है, इसकी देखो आगे प्रॉपर्टीज जो लिखी है वो पढ़ना ध्यान से। इसके क्या लिखी? असमांतर भुजाओं की लंबाई समान हो या समलंब समद्विभाजित चतुर्भुज कहलाता है। मतलब क्या कह रहा है कि अगर ये दोनों बराबर हो तो इसका नाम बदल जाता है। ये कहलाता है क्या? समलंब समद्विबाहु। क्या कहलाता है? समलंब समद्विबाहु। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, जब दो भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, और ऐसा भी होता है कि बराबर नहीं होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इनके बारे में। ये प्रॉपर्टीज देखिए, अब ये कहां से आती है अगर इसकी चर्चा करें तो बेटा ये समरूपता है। समरूपता कैसे है कि अगर ये पैरेलल लाइन है तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा और तीसरा बताओ ये बराबर हो ही जाएगा। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। तो समरूप हो जाएगा तो बताओ छोटे त्रिभुज की भुजा उसके सामने बड़े त्रिभुज की भुजा बराबर होगी। छोटे त्रिभुज की ये वाली साइड बराबर इसके,
बोलो समझ में, इसका रेशियो कैसे होगा, बराबर होगा। एक और लिख सकते हैं इसी के आगे कि AD बटे BC, ये भी नहीं रेशियो में हमेशा बटेगा, ठीक है। ये देखो ये बेटा समलंब की कंडीशन लिखी है, जो भी पढ़ा के आए हैं उसी से है। इसके आगे देखो समलंब चतुर्भुज के लिए ये बेटा देख, आगे देख ये इनका क्षेत्रफल लिखा है, आगे आ जाओ इधर। अब आओ सर्किल में, थोड़ा सा शुरुआत करते हैं सर्किल की, लास्ट में वहां ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं थी उसको देख लेना, सर्किल की शुरुआत करते हैं। तो सर्किल होता क्या है सबसे पहली बात, तो सबसे पहली बात करी जाए कि वृत्त किसको कहते हैं। अगर इसकी चर्चा कोई पूछे तुमसे, मान लो कोई पूछ दे कि क्या पढ़ते हो, तुमको भाई कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, तो जब तुम कंपटीशन तैयारी कर रहे हो तो उसने पूछा अच्छा क्या पढ़ रहे हो, कि ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री बताओ बेटा वृत्त क्या होता है, तो तुम क्या कहोगे। वृत्त को ही वृत्त कहते हैं, जो गोल गोल दिखता है वो वृत्त होता है क्या बेटा, ध्यान रखना है। यहाँ पे लिखा है बहुत अच्छे से, वृत्त एक ऐसा बंद वक्र है, वक्र मतलब, वक्र मतलब आर्क, जैसे हमने बताया था एक सर्किल है, इस पे ऐसे करके अगर हम काट दिए तो ए और बी, ये छोटा वाला आर्क लेना होगा तो कैसे लिखेंगे ए बी, और ऐसे ऊपर लाइन लिखते थे। याद है कि नहीं, वक्र वह छोटा आर्क है, अभी बताएंगे इन सब के बारे में। वक्र वह ऐसा बंद आर्क है जिसके, जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु से एक स्थिर फिक्स दूरी कैसी होती है, बराबर होती है। मतलब यहां से अगर ले लोगे तो ये दूरी बराबर, यहां से ये दूरी बराबर, यहां से ये दूरी बराबर, ये बराबर, ये बराबर, ये सब इसकी क्या कहलाएंगी, ये सब इनकी रेडियस कहलाएंगी। तो वो क्या कहलाएगा आपका, वो आपका सर्किल कहलाएगा। आगे देखो त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से, केंद्र से वृत्त के परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है, और केंद्र से वृत्त के परिधि के बीच की दूरी अगर त्रिज्या कहलाती तो जीवा क्या कहलाती है, कि वृत्त की परिधि पर स्थित ऐसा बिंदु जो दोनों साइड की परिधि को जोड़ रहा हो। लेकिन एक शर्त है, शर्त यह है कि केंद्र से ना गुजरे, क्योंकि अगर यह केंद्र से गुजर जाएगा तो यह कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। पढ़ो, वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा को व्यास कहलाते हैं, और वृत्त की सबसे बड़ी यही जीवा होती है। तो अगर केंद्र से गुजरेगी तो क्या कहलाएगी, तो बेटा वो कहलाएगा कि क्या, डायमीटर कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। लेकिन अगर केंद्र के इधर उधर कहीं से गुजरेगा और दोनों साइड टच करेगी तो वो कॉर्ड कहलाएगी, जीवा कहलाएगी। पहले इनके टर्म्स पढ़ लें तो फिर आगे हम प्रॉपर्टीज पर। चाप क्या होता है, आर्क देखो अभी पढ़ के आए, आर्क क्या होता है तो ठीक है, तो चाप क्या होता है, सबसे पहली कंडीशन तो ये है, देखना ये ए बी चाप है। अब अगर हमें ये छोटे चाप के बारे में लिखना होगा, छोटे चाप के बारे में, तो घड़ी बताओ बेटा ऐसे चलती, ऐसे, ये हमेशा घड़ी के विपरीत दिशा में लिखना है। तो छोटा चाप कौन सा होगा, छोटा होगा ए बी, और ऐसे ऊपर लाइन देखो यहाँ पे लिखा है लघु चाप, माइनर आर्क क्या है, ए बी है। और यहां से यहां तक के बारे में जब लिखेंगे तो ये बड़े चाप के बारे में होगा, तो बड़ा चाप क्या हो जाएगा बेटा, मेजर आर्क क्या हो जाएगा आपका, बी ए हो जाएगा, ठीक है। और देखना संकेंद्री वृत्त, एक ही ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक हो वो क्या कहलाएंगे आपका, संकेंद्री वृत्त कहलाएंगे। और प्रच्छेदित रेखा, देखो बेटा जो रेखा किसी वृत्त को दोनों साइड पार करते हुए निकल जाए, है ना, छेद कर दे वृत्त के अंदर, उसे प्रच्छेदित करते हुए निकल जाए, वो क्या कहलाएगी आपकी, प्रच्छेदित रेखा कहलाएगी। और देखिएगा आगे स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा टेंजेंट, स्पर्श का मतलब होना छूना, और ये देखो वृत्त को छूते हुए निकल रही है कि नहीं, केवल टच करते हुए निकल रही है, तो ये क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा। इन पे प्रॉपर्टीज बनती हैं, कई सारे थ्योरम्स बनती हैं। अर्धवृत्त क्या होता है बेटा, आधा वृत्त अर्धवृत्त होता है, वो सब आप लोग जानते हैं, तभी इसमें सब पढ़ा। हाँ ये देखिएगा बेटा, सेक्टर ऑफ सर्किल, त्रिज्यखंड जिसको कहते हैं, ये बेटा ये जो ऐसे करके सर्कल का काटा हुआ भाग है ये लघु त्रिज्यखंड है, और ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, क्या कहलाता है बताओ, दीर्घ त्रिज्यखंड, त्रिज्या के द्वारा अगर बांटा जाएगा तो त्रिज्यखंड कहलाएगा, और अगर कोई जीवा से बांटा जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, वृत्तखंड कहलाएगा। तो उसको बोलते हैं सेक्टर, और इसको सेक्टर बोलते हैं, और बेटा इसको बोलते हैं सेगमेंट, ठीक है, ये ध्यान रखना। जीवा अगर बांटेगी किसी वृत्त में तो सेगमेंट होगा, और अगर त्रिज्या बांटेगी तो क्या होगा, सेक्टर होगा। और आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देखिएगा केंद्रीय कोण, ये होता है बेटा केंद्रीय कोण, केंद्र पे किसी चाप द्वारा बना हुआ कोण क्या कहलाता है, केंद्रीय कोण। अभी इसमें देखना बहुत सारी थ्योरम्स आएंगी, आ जाओ वृत्त संबंधित प्रमेय, सबसे पहले थ्योरम से बेटा देखना ध्यान से। पहली थ्योरम्स क्या है, कह रहे हैं कि समान आर्क से यानी समान चाप से समान जीवाएं खींची जाती हैं, तो बिल्कुल सही बात है, देखना कैसे बेटा, बहुत अच्छे समझना। यहां से एक आर्क हमने लिया है, अब घड़ी के विपरीत दिशा में लिया जाएगा, तो बताओ ऐसे ही तो लेंगे, सीडी
अगर सीडी जो है, आर्क सीडी जो है वो एबी के बराबर है, किसके बराबर है, एबी के बराबर है, तो ये तभी पॉसिबल है जब एबी और सीडी आपस में कैसे हो बेटा, बराबर हो, तभी तो पॉसिबल है कि नहीं बताओ, है ना। जैसे अगर इनको हम इसके एक और प्रॉपर्टीज है, अगर सेंटर को ऐसे जोड़ देंगे तो जितना कोण ये बनाएगी उतना ही कोण सेंटर के लिए ये बनाएगी, ये अगर एक्स बना रही है तो ये भी क्या बनाएगी, एक्स बनाएगी। अभी आगे देखो प्रॉपर्टी मिलेगी तुम्हें, ठीक है, देखो आगे थ्योरम्स होगी। दूसरा देखो, ये सबको पता है, ये सबकी फेमस थ्योरम होती है और सबको याद भी होता, क्या, केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, सेंटर से एक कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर डाला जाता है ये, तो ये दो बराबर भागों में विभाजित करता है। और ये कैसे होता है देखिएगा ध्यान से, इसके लिए हम थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। ये सेंटर है, ये बताओ रेडियस आर होगी, ये भी रेडियस आर होगी, होगी कि नहीं। अब देखना है यहाँ पे ये आर है बेटा। दूसरी चीज, बराबर अगर रेखाएं हैं तो ये कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। अब ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री बनाएगा, ये 90 डिग्री बनाएगा तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो गया। ये भुजा भी बताओ दोनों में कॉमन है, तो बताओ जब एक त्रिभुज में दो भुजाएं और तीनों कोण आपस में बराबर है तो निश्चित तौर पर बेटा इनका जो ये होगा, ये वाला भाग, ये आपस में कैसे होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है, कौन, केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को हमेशा दो भागों में बांटेगा। और आगे की कहानी में क्या कहा गया ये देखिएगा, दो वृत्त अगर एक दूसरे को प्रच्छेदित करें तो उनको केंद्र से होकर जाने वाली रेखा उभयनिष्ठ जीवा को लंब समद्विभाजक होती है। देखिएगा क्या कहना चाह रहे हैं कि बेटा यहाँ पे दो सर्किल एक दूसरे को कट कर रहे हैं, अब कह रहा है कि इनके बीच की ये लाइन मिलाओ और ये कॉमन लाइन मिलाओ, तो यहां से ये परपेंडिकुलर भी होगी और इसकी कैसी होगी, आधी भी होगी। अब इसको तुम एक एक सर्किल को देखो, केवल एक सर्किल को, तो अगर हम केवल इतने सर्किल को देखेंगे, केवल इतने सर्किल को, ठीक है कि नहीं, तो बताओ ये इसकी जीवा कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी बेटा, ये कहलाएगी इसका कॉर्ड, और यहां से डाला गया ये कहलाएगा इनका परपेंडिकुलर, तो बताओ दो बराबर भागों बांट दिया। अब इधर वाले सर्किल को देखो जो नीला है, ठीक है, अब इसके लिए देखो बेटा, इसके लिए ये क्या कह रही, रुको, इसके लिए ये क्या कह रही बेटा बताओ, इस वाले के लिए ये क्या कह रही जीवा, और ये सेंटर है, यहां से ये डाला गया, ये क्या हो गया देखा परपेंडिकुलर, तो बताओ बेटा ये अपने आप बराबर हो जाएंगी। तो यही बात इन्होंने कहा है कि क्या कहा है इन्होंने, देखिएगा इन्होंने कहा है कि एसी बराबर है, एसी बराबर है किसके, बीसी के, यानी एसी बराबर है बीसी के, कब, जब ओसी, ओसी क्या है बेटा, ये वाली लाइन ओसी, ओसी परपेंडिकुलर होगी एबी पे। तो ये बेटा एक एक सर्किल को अलग अलग करके देख लो, तब भी प्रूफ हो जाएगा। और आगे की कहानी क्या है, ये बेटा कब लगता है, जब त्रिज्या बराबर होता है, दोनों के केंद्र से गुजरेगा, तो ये जो पी क्यू है दोनों के अगर केंद्र से गुजरेगा तो अगर इनकी त्रिज्या आर होंगी तो बताओ इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, ये आर हो जाएगी। अब यहां से परपेंडिकुलर डाल दो, ठीक है, इधर से भी जोड़ दो, ये भी आर हो जाएगी। अब यहाँ पे बहुत समस्या आ जाएगी कि दोनों कोण बराबर करेंगे, तो इसकी जब प्रूफ करोगे इसको तो पीक्यू की लंबाई कितना आ जाएगी, √3r। आगे जब हम कट पॉइंट पढ़ाएंगे तब इस चीज को प्रूफ करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है, अभी आगे पढ़ाएंगे इसको। अभी लिख लो, क्या लिखना क्या है देख लेना, कि दो सर्किल अगर एक दूसरे के केंद्र से गुजरे, ये बेटा क्या है, केंद्र है इनके, ये क्या है इनके केंद्र है, देखना ध्यान से, इसको अगर हम ओ नाम दे दें और इसको ओ डैश दे दें तो ये एक दूसरे के केंद्र है। अब बताओ ये इनके बीच की दूरी, ये तो त्रिज्या होगी कि नहीं, और ये सब त्रिज्याएं आपस में बराबर होंगी तभी तो प्रूफ होगा। अभी इसको प्रूफ करेंगे बेटा, आगे परेशान मत होना, इस बात को हम प्रूफ करेंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, दो वृत्त एक दूसरे को प्रच्छेदित करें तो उनके केंद्र को जोड़ने वाली रेखा को प्रच्छेदन बिंदु को समान कोण बनाती है, कब, कोण एसीबी, एसीबी बराबर होगा, बराबर किसके होगा बेटा, बराबर होगा ए डी बी के, हमेशा कैसे होंगे ये बराबर होंगे। ये बात यहाँ पे तुम अभी अगर चाहो तो नोट करके लिख लो, और अगर इनकी तुम्हें मन करे कि ये होगा कैसे तो एक बार देख लो, देखना ध्यान से, अच्छा तुम खुद बताना बहुत अच्छे से, यहां से इसको ऐसे मिला है तो ये जीवा हो जाएगी दोनों वृत्तों के लिए। ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये अगर रेडियस बराबर है तो ये थीटा बना रही है, तो ये भी थीटा बना रही होगी, बना रही होगी कि नहीं। चलो इधर के लिए ये दूसरी रेडियस हो गई, ये भी दूसरी रेडियस हो गई,
यहाँ मान लो अल्फा बना रही होगी, तो ये भी क्या हो गया, अल्फा हो गया, बताओ ये दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फा, और इनका योग कितना हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फा, बताओ बराबर हो जाएंगे कि नहीं, समझ में आई बात। चलिए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, हमने अभी पीछे बताया था कि अगर बेटा जीवाएं समान होंगी तो केंद्र पे कैसे कोण बनेंगे, समान कोण बनेंगे, वही बात है यहाँ पे, समान जीवाएं कोण केंद्र पे कैसा कोण बनाती हैं, समान कोण बनाती हैं। इसके आगे देखो बेटा, अब ये पॉइंट देख लो, ये अच्छे क्वेश्चन है, इनको याद कर लो। अगर कोई सर्कल है, कोई सर्कल है, उसमें दो जीवाएं एक दूसरे को ऐसे काट रही है, पहले वाले की बात कर रहे हैं, तो मान लो ये लिखा है मैंने ए, इसको माना है बी, इसको क्या माना है, इधर वाले को मान लो तुम सी, इधर वाले को मान लो डी, और ये कट पॉइंट मान लो पी। अब ये कट पॉइंट कहीं भी हो सकता है, ये सर्किल के अंदर हो सकता है, ये इस तरीके से परिधि पे हो सकता है, या ये सर्किल के बाहर हो सकता है। तीनों कंडीशंस में एक ही बात प्रूफ होगी, और होगी क्या, पहली बात होगी कि ए बी बराबर होगा सी डी के, तो पी ए पी बराबर होगा, ए पी बराबर होगा सी पी के, यानी कौन सा बेटा, ए पी ये बराबर होगा किसके, सी पी के, और बेटा बीपी बराबर होगा, बोलो क्या होगा, बीपी बराबर होगा, बीपी का मतलब यहाँ ब्लड प्रेशर नहीं है, बीपी ये लिखा है वो है, ठीक है, बराबर होगा बेटा किसके, पीडी के, ठीक है ना। ये सब जगह प्रॉपर्टी लगेगी, चाहे ये अंदर काटे चाहे यहाँ काटे, अब यहाँ काटेगी तो बताओ यहाँ ए बिंदु पे ही काट रही है तो पी बिंदु मिलेगा ही नहीं, लेकिन इसमें तो पी बिंदु मिल रहा है, तो देखना बेटा ए बी बराबर सी डी, ए पी बराबर सी पी, और पी बी बराबर पी डी के, ठीक है कि नहीं, ठीक है, समझ में आ गई ना बात। चलो आगे बढ़ते हैं, अगर आ गया है देखना बेटा, ये देखो ये सबकी फेमस, बहुत फेमस है, क्या है, केंद्र में बना कौन, परिधि पे बने कौन का कैसा होता है बेटा, दोगुना होता है। तो देखिएगा क्या, यही एक बेटा क्या है, एक ही जीवा है, उससे केंद्र पे कितना बन रहा है बेटा, ये 2x बन रहा है, तो बताओ परिधि पे कितना बनेगा, जाके x बनेगा, केंद्र पे बना कौन, परिधि पे बने कौन का हमेशा कैसा होता है, दोगुना, ये x है तो ये कितना बनेगा, 2x बनेगा, ठीक है, ये बहुत फेमस थ्योरम है। इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे देखो, एक ही जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने कोण कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अब इस जीवा से चाहे कहीं कोण बनाओ, ये हमेशा कैसे बनाएगी, बराबर, ये x, ठीक है, इससे ये वाला x, एक और बना दो इधर, वो भी x, ये भी x रहेगा, एक और बना दो इधर, वो भी क्या रहेगा, ये भी x रहेगा, ठीक है कि नहीं, ये सब आपस में कैसे रहेंगे, बराबर रहेंगे। आगे देखना बेटा, हाँ, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, क्यों होता है, जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बेटा अभी पढ़ के आए, केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का कैसा होता है, दोगुना, ये पता है 180 है, तो इसका आधा यहाँ कितना बनेगा, 90 बनेगा, ठीक है। और आगे देखो, ये देखो, ये देखो चक्रीय चतुर्भुज भी आ गया, आगे मिलेगा इससे, चक्रीय चतुर्भुज के बारे मतलब हमें कंडीशंस मिलेंगी, तो जरा एक बार देखते हैं क्या कंडीशंस हैं, कि ये वाला कोण अगर देखो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, तो इधर वाला क्या होगा, ऑब्स्टिट्यूट एंगल, मतलब ये न्यून कोण होगा तो ये क्या होगा, अधिक कोण, क्यों होगा, क्योंकि इन दोनों के कोणों का योग 180 होता है, कितना होता है 180, तो ये 90 के नीचे होगा तभी तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, तो अगर ये मान लो 60 डिग्री होगा तो ये कितना होगा, ये वाला 120 हो जाएगा, और 120 हो जाएगा तो मतलब कैसा हो जाएगा, 90 से ऊपर अधिक कोण, 90 के नीचे न्यून कोण, तो बेटा ये आमने सामने हमेशा कितने होता है, 90 डिग्री बनते हैं। तुम्हारे मन में भावनाएं आ सकती है कि सर कैसे बनते हैं, तो एक ऐसे सर्किल लेना है, ऐसे केंद्र बनाना, अब देखना बहुत अच्छे से, ये हमने जीवा ली है, ये ऐसे बनाया, ठीक है, अब इसको मान लो तुम 120 डिग्री, कितना मान लो 120, तो बताओ इधर कितना बनाएगा, ये 60 बनाएगा, 60 ही तो बनाएगा, बोलो, अच्छा बाहर से देखेंगे, बाहर से ये कितना होगा, पूरा 360 होता तो ये कितना होता, 240 हुआ, ये अगर 240 होगा तो इसका आधा इधर होगा, 240 का आधा कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा, बोलो समझ में आई बात कि नहीं आई, अब बताओ ये 60, ये 120, टोटल कितना हो गया, 180। आगे देखिएगा, ये बेटा देखो, ये बहुत अच्छी थ्योरम से कई बार पूछी गई है, इससे सवाल भी बहुत अच्छे बनते हैं। दो जीवाएं जहां कट करेंगी वहां पे हमेशा ये कंडीशन लगेगी, क्या होगी, पी ए इंटू पी बी। अब जीवाएं कहां कट कर सकती हैं, तो अंदर या बाहर, क्या हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी बराबर होगा पी सी इंटू पी डी के, और ये दोनों कंडीशन में होगा, चाहे अंदर कट करें और चाहे बाहर कट करें, ठीक है, दोनों कंडीशन में होगा। और आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, ये दो जीवाएं अगर दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं
और इन वृत्तों से कोई एक ऐसी जीवा खींची जाती है जो दोनों वृत्त के स्पर्श बिंदु से जाती है, तो ये PA और PV का रेशियो त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर होता है, ध्यान रखना ये, ठीक है। ये थ्योरम से बेटा केवल तुम अभी ये प्रूफ वाला तुम ना मतलब प्रूफ के चक्कर में फंसोगे तो बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, प्रूफ भी हो जाएगी, लेकिन फालतू में क्या समय बर्बाद करना, यहाँ केंद्रमान के यहाँ रेडियस खींचनी पड़ेगी तो प्रूफ हो जाएगी, लेकिन प्रूफ के चक्कर में ना फंसो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा तैयारी केवल अभी सीखने पर रखो। जैसे ये है, इसमें अगर कोई बाह बिंदु से दो जीवाएं खींची जा रही है, क्या लिखा, दो समान जीवाएं AB और CD दोनों कैसी हैं, बराबर हैं, इनको बाहर जहां मिलाएंगे जाके वो हमेशा देखना ये AE और ये CE बराबर होंगी, पहली बात, ये BE और ये DE ये बराबर होगा बेटा, ये हमेशा कैसी रहेंगी, बराबर बराबर रहेंगी, ठीक है। और आगे आते हैं तो ये देखिएगा, ये क्या है, ये वाला ये देख लीजिएगा, इसमें क्वेश्चन अच्छा बनता है, इसको एक बार ध्यान से देखिएगा है क्या, पहले समझो। यदि दो जीवा एक दूसरे को प्रच्छेदित करें तो उनके द्वारा बना प्रच्छेदन बिंदु पर बनाया गया कोण, यानी ये जो बने हैं X, ये क्या होगा, AC चाप द्वारा यानी इस वाले चाप द्वारा केंद्र पे जो कोण बनेगा, ये केंद्र पे कोई कोण बनेगा, और इधर से बताओ BD चाप द्वारा कोई कोण बनेगा, उन दोनों कोणों के अंतर का आधा होता है। कैसे होता है एक बार इसको देखिएगा, ये इसका आधा होगा और इधर वाले का भी क्या होगा, आधा होगा। अब सुनिएगा बहुत अच्छे से, अगर इसको मान लें क्या थीटा और इसको मान लें अल्फा, तो जो एक्स बराबर आएगा वो आएगा हाफ थीटा माइनस अल्फा, ये आएगा, बस इनको तुम्हें जोड़ना रहेगा। अब जोड़ने के लिए बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, तो मतलब ये मत सोचना कि इसमें बहुत कठिन कोई मतलब साइंस लग रही होगी अलग से, बहुत कठिन नहीं है, तो बहुत आराम से कर सकते हो। इधर से इस लाइन को जोड़ लो, इधर से इस लाइन को जोड़ लो, जोड़ लिया तो तुम बताओ ये वाला कोण और ये वाला कोण तुम्हें मिल जाएगा, इसी प्रकार तुम्हें ये कोण मिल जाएगा। अब जब ये मिल जाएगा तो इनके बारे में तो अपने आप लिख लोगे कहीं, और जब दो कोण पता लग गए तो तुम्हें एक्स निकालना रहेगा, जो कि आप आराम से निकाल लेंगे। इनको अल्फा थीटा की जगह तुम इनकी वैल्यू मान लेना, जैसे देखना बेटा ध्यान से, ठीक है। अब वो ये केंद्र कहाँ है इसका, इसका केंद्र बेटा देखना, इसका केंद्र हमने बनाया है ये, ठीक है। अब बहुत अच्छे से देखना एक एक बात को, अगर हम इसको ले लें दोबारा से, तो ये वाली हमने जोड़ी लाइन यहां से और फिर ये जोड़ी यहां से, ये एक एंगल मान लिया, ये मैंने माना पूरा एंगल कितने डिग्री है, ये बेटा हमने पूरा मान लिया ये 60 डिग्री का है, ठीक है। इधर आ जाओ, इधर से हमने ये लाइन जोड़ी और एक लाइन जोड़ दी बेटा ये मैंने मान लिया कि ये कितने डिग्री का है, 20 डिग्री का है, ठीक है कि नहीं। अब दोनों कैसी भुजाएं बराबर हैं, अब तुम खुद बताओ, अगर बराबर है पूरी भुजाएं तो इनको जोड़ने पर प्यारे बच्चों ये से जोड़ दो, ये वाला एंगल जो होगा और इन दोनों एंगल का योग बराबर होगा कि नहीं, इनका क्योंकि दोनों भुजाएं कैसी है बराबर, भाई दोनों कोण है और बराबर है तो ये कैसे होंगे, बराबर होंगे। अच्छा ये 60 है, ये केंद्र है, तो ये जरा ये बताओ ये जो बची हुई है ये दोनों 60 और 60 होंगी, छोटी वाली बता रहे केवल, इतनी कौन सी वाली देखना ध्यान से, ये वाला, ये 60 और ये 60, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब ये 20 है, कितना है 20, इधर से अगर हमने जोड़ा इनको, जोड़ दिया तो बताओ ये दोनों भी बराबर है क्योंकि ये त्रिज्या होंगे, तो 180 में से 20 जाएगा 60, तो ये कितना रहेगा, ये रहेगा 80 और ये भी कितना रहेगा 80, यही तो रहेगा कि नहीं बोलिए, और ये अगर 80 रहेगा, अब सुनना बहुत ध्यान से आने की बात है, ये अगर 80 रहेगा तो जरा बताओ ध्यान से, ये 60 है, ये 80 है, ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल हो जाएगा आपका कितना, 60 120 80 8 8 16 और 2 180, ये हो गया। अब इसके आगे देखिएगा, हाँ देखिएगा, इसके बाद देखिएगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी तो बराबर होगा, तो ये अगर एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, और ये अगर x होगा क्योंकि ये भी x होगा, इधर भी x होगा, ये सब आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब तुम लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो जरा देखना ध्यान से बहुत अच्छे से। अब बेटा अगर हम लिखेंगे तो हम लिख रहे हैं इस थीटा की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू लिखेंगे, थीटा लिख लो प्लस 60 और 60 120 और x लिख लो, तो 120 प्लस 2x ये सबके बराबर कितना हो जाएगा 180 के, ये बड़ा वाला त्रिभुज से लिख दिया,
अब इसी छोटे त्रिभुज से लिखेंगे तो जरा ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, छोटे त्रिभुज से जरा बताओ ध्यान से, ये पूरा एंगल जो है ये एक, ये पूरी लाइन पूरी बताओ 180 होगा, 180 में 80 कम करेंगे तो 100 कम हो जाएगा, 100 बचेगा, और 100 में ये x कम कर देंगे तो ये बताओ 100 माइनस x बचेगा कि नहीं। इधर लिख लो, लिखो बेटा 100 माइनस x, और इधर भी कितना बचेगा 100 माइनस x प्लस 100 माइनस x और प्लस में थीटा और बराबर जाएगी 180 के, दोनों को उठा के बराबर कर दोगे, जैसे बराबर करोगे तो तुम्हें वैल्यू मिल जाएगी, इधर करो बराबर तो क्या हो जाएगा थीटा प्लस 120 प्लस 2x बराबर 100 और 100 200 माइनस 2x और प्लस में क्या चल रहा है आपका, प्लस में बेटा क्या चल रहा है, प्लस में इधर चलेगा थीटा, ठीक है, प्लस में क्या चल रहा है बोलो, थीटा चल रहा है। अब देखो ये थीटा से ये थीटा यहां कैंसिल हो जाएगा और ये 2x इधर आके जुड़ जाएगा, उधर मिलेगा 4x बराबर, 4x बराबर तुम्हें कितना मिलेगा, 4x बराबर बेटा 80 मिलेगा, x बराबर कितना मिल जाएगा 20, बस इसी से काम होना था, x बराबर 20 मिल जाएगा, तो जरा बताओ ये वाला भी कोण कितना हो जाएगा 80 और ये वाला भी कितना हो जाएगा 80, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 20, और 20 कैसे बचेगा जरा देखो, x बराबर हमने पहले ही लिखा था हाफ ऑफ 60 माइनस 20, तो इसको अगर काटेंगे तो 40 का आधा कितना होता है 20 डिग्री, यही बेटा प्रूफ होना था, ठीक है, इसको एंगल से करोगे तो प्रूफ हो जाएगा, और भी तरीके हैं प्रूफ करने के, ठीक है, अभी तुम्हारे दिमाग में जो आ रहा है उसी हिसाब से प्रूफ करो, ठीक है, क्योंकि बेटा अभी मतलब आज खत्म ही कर देंगे, आज खत्म कर देंगे पूरा, ठीक है, देखे रहिएगा आज पूरा खत्म करते हैं, ठीक है, इसी तरीके से बेटा इस वाले को प्रूफ कर लेना, मांगे बढ़ते हैं, जो जरूरी जरूरी प्रमेय है उन पे बात करते हैं। ये बेटा देखिएगा, अब कहा क्या है इन्होंने कि अगर कोई चक्रीय चतुर्भुज है उसके बाहर कोई भुजा बढ़ाई जाए तो जो कोण बनेगा, कौन सा कोण, ये वाला कोण CDE, CDE ये बराबर होगा A के, क्यों नहीं होगा देखना बेटा, ये 60 होगा तो ये 120 होगा, अभी बताया चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोण कितने होते हैं, 180 होता है, तो ये भी तो 180 स्ट्रेट लाइन है, तो ये कितना हो जाएगा 60, बस इतनी बात है, आगे देखो, आगे देखो बेटा, अब इसको आराम से प्रूफ कर लेना, देख लेना चक्रीय चतुर्भुज में अगर कोई रेडियस खींची जाती है तो उसमें दिखा है, क्या लिखा है, देखिए कोण P और कोण R के जो अर्धक होते हैं उनको अगर मिलाएंगे हम तो कहां AB व्यास द्वारा काटे जाते हैं, ये पूरा क्या हो जाएगा AB व्यास हो जाएगा, ये थ्योरम से बेटा पूछी नहीं जाती है, ज्यादा परेशान मत होना इस पर, ठीक है, और आगे देखिएगा स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा हमेशा त्रिज्या पर क्या होती है बेटा, लंब होती है, ये स्पर्श रेखा है, ये रेडियस है, इस पर क्या होती है परपेंडिकुलर होती है। चलिए अभी इसमें कई सारी बातें अभी बाकी हैं, क्योंकि बातें अभी ज्यादा बाकी हैं और इस वजह से अभी हमें थोड़ा सा समय लगेगा, एक हम छोटी सी क्लास और बनाएंगे, ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चन डाल देंगे, ठीक है, अभी हम इसमें आगे कुछ हैं बेटा, कुछ पॉइंट हैं जैसे स्पर्श रेखा से हम शुरू करेंगे और उनके कई सारी ऐसी बातें हैं जो बड़े, ये वीडियो फिर बड़ा हो जाएगा, तो इतने ही रखते हैं आज, ठीक है, और इसके आगे बेटा जो रहेगा वो अगली क्लास में थोड़ा सा उसी में हम कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे, तो आज के लिए इतना ही रहते हैं, धन्यवाद, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, व्यूज बहुत कम आ रहे हैं आप लोगों का, रिस्पांस बहुत अच्छा नहीं आ रहा है, ठीक है, जिसके लिए थोड़ा सा रिस्पांस बढ़ाइएगा, और अगर कोई कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहीं पुराने वीडियो देखने को मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिलेगी, जो पुराने वीडियो है उन पे जाके देखिएगा, वरना यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाके आप देखिएगा, वहां लिखा है मैथ बाय शोभित सर, वहां जाके देख लीजिएगा, वहां आपको वीडियो मिलेंगे, ठीक है बेटा, नमस्कार।